बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम प्रोफेसर फायरा यूसुफ है। मैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में एचएसएन हॉस्पिटल में कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट के तौर पे काम कर रही हूँ। आज हम पॉलीसिस्टिक अवेरियन सिंड्रोम पे डिस्कस करेंगे। पॉलीसिस्टिक अवेरियन सिंड्रोम क्या है? ये एक मर्ज है जिसमें हॉर्मोन्स इम्बेलेंस होते हैं, ख़ास तौर पर मेल हॉर्मोन टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा मकदार में बनता है इन ख्वातीन में। इस हार्मोन के ज़्यादा बनने की वजह से कुछ मसाइल पैदा होते हैं, जिसमें से चेहरे और जिस्म पे बाल का बढ़ जाना, चेहरे पे एक्ने का होना या वज़न ज़्यादा हो जाना, ये कॉमन मसाइल हैं इन ख्वातीन में। और जब अगर हम शादीशुदा ख्वातीन में देखें तो वहाँ पे फर्टिलिटी के इशू भी दरपेश होते हैं इन ख्वातीन में। जो नौजवान लड़कियां हैं उसमें मेनली माहवारी का ख़राब होना और वज़न का बढ़ना और चेहरे पे बाल ज़्यादा होना कॉमन शिकायत है, जबकि शादीशुदा ख्वातीन में ये इनफर्टिलिटी का बायस भी बनता है। अब इनफर्टिलिटी इन ख्वातीन में क्यों होती है? उसकी वजह ये है कि इन ख्वातीन में ओवुलेशन बकायदा से जो हर माह आम ख्वातीन में होती है वो डिस्टर्ब हो जाता है साइकिल, उसमें या तो ओवुलेशन होती नहीं है या अगर हो तो मुनासिब और मियारी जो अंडा एक बनना चाहिए जो रिक्वायर होता है उसके लिए फर्टिलिटी के लिए वो नहीं बनता। अब आपको सवाल उठता है कि इसका इलाज क्या है? पीसीओ सिंड्रोम के इलाज के लिए दवाइयाँ भी दी जाती हैं और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी यूज़ की जाती है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का मतलब है कि इलाज के साथ मुनासिब खुराक का इस्तेमाल करना, जो मुतवाजन मुनासिब खुराक हो, और दूसरा एक्सरसाइज का बकायदा से अपनाना अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, वो बहुत ज़रूरी है। अगर देखा जाए तो ये बहुत कॉमन पीसीओ सिंड्रोम की डिज़ीज़ जो है कॉमन है, हर 10 में से एक ख्वातीन में ये मर्ज पाया जाता है और इसकी वजह से अक्सर नौजवान लड़कियां और शादीशुदा ख्वातीन डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो जाती हैं जब उनके मसाइल हल नहीं होते। मेडिकेशन में अगर देखा जाए तो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, उसमें इनोसिटोल डी कायरोनोसिटोल और फॉलिक एसिड की मुनासिब मकदार मौजूद होना बहुत ज़रूरी है, जो उनको हेल्प करती है कि उनका जो हार्मोनल इम्बेलेंस जो है वो करेक्ट हो जाए। जबकि अगर हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आए तो वो बहुत ज़रूरी है, वो एक इसका हिस्सा भी है और इलाज में एक अहम उसका रोल है इन ख्वातीन में। उसमें एक्सरसाइज मुनासिब अंदाज में अपना के वो अपनी इस बीमारी को किसी हद तक कंट्रोल कर सकती हैं। इस सिलसिले में एटको लेबॉर्ट्री ने एक एक्सरसाइज पे मबनी वीडियो बनाई है, जो मैं रिकमेंड करूंगी कि तमाम ख्वातीन को जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम से मुतासर हैं उनको ये यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, और ख़ास तौर पे अगर पीसीओ सिंड्रोम है तो उसमें इन ख्वातीन में वेट ज़्यादा है, तो अगर 5 से 10% तक ये अपना वेट कम करेंगी तो खुद खुद ही इनमें फर्टिलिटी भी इम्प्रूव होती है और माहवारी की जो ख़राबी है वो भी काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। आखिर में मैं शुक्रगुजार हूँ एटको लेबॉर्ट्री का कि उन्होंने ये वीडियो बनाई जो ख्वातीन के लिए इंशाल्लाह बहुत मुफीद साबित होगी। थैंक यू।